हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर ही अपने चांदी के बर्तनों को या फिर अगर आपके पास चांदी की ज्वेलरी है जैसे कि पायल, ईयरिंग्स, चेन वगैरह, ये आप कैसे आसानी से घर पर ही बिना किसी केमिकल के इन्हें अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और ये साफ़ होने के बाद बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। मैं आपको दो मेथड बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला मेथड है, इसमें मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी ले लिया है और ये मैं अपनी एक पायल ले रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा कोलगेट। जो नॉर्मल हमारा वाइट कोलगेट आता है वही हम इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी पुराना टूथपेस्ट ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा कोलगेट लगाकर अपनी जो भी आपकी ज्वेलरी है जैसे कि ईयरिंग हो गए, पायल हो गया, चेन हो गया, उस पर अच्छे से आप कोलगेट को रगड़ दीजिए। हल्का ब्रश लेना है हमें, बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ईज़िली हमारी ज्वेलरी को साफ़ कर देगा। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में अगर आपका चांदी की ज्वेलरी काला पड़ गया है तो वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ब्रश की मदद से जब हम इसे क्लीन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक जगह से भी इसे क्लीन कर देता है। तो यहाँ पर मैंने हमारी पायल को अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब इसे मैं साफ़ पानी में से निकाल दूँगी। आप देख सकते हैं कि साफ़ पानी से निकालने के बाद ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है और इसमें एक बहुत अच्छी शाइन भी आ गई है और ये किसी भी तरह के स्टोन वगैरह को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो भी हमारी चांदी की पायल पर लगी होती है। कोलगेट से आप देख सकते हैं जो मेरा दूसरा चांदी का पायल है जो अभी गंदा है और जो मैंने अभी साफ़ किया है, आप इसमें डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ जिससे हम चांदी के बर्तन साफ़ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है और पानी में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच डिटर्जेंट। कपड़े धोने का ये सर्फ मैंने लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आपके पास एरियल है, टाइड है, रिन है, आप जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वही डिटर्जेंट ले लीजिए और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डिटर्जेंट डाला है। अब जो मेरी दूसरी चांदी की पायल थी वो मैं इसी में डाल दूँगी और जो ये मेरा ग्लास है चांदी का, इसे भी मैंने इस पतीले में ही डाल दिया है। इस मेथड में हमें इन्हें रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे हमें इन्हें सिर्फ पानी में बॉयल करना है और बॉयल हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप देखें नहीं कि इसमें से कालापन निकलना शुरू हो गया। फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे। शुरू में हाई फ्लेम कर दीजिएगा, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे कम से कम 4-5 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने देंगे। आप चांदी की पायल देखिए कितने अच्छे से चमक गई है, बिल्कुल रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो ग्लास है इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा कालापन बाकी है, तो इसे मैं बर्तन धोने वाला ये जो स्क्रब आता है इससे थोड़ा थोड़ा रगड़ दूँगी। आप ध्यान रखिएगा कि पानी जब वार्म हो गया है तभी आप इसमें से अपना ग्लास या जो भी आपने ज्वेलरी डाला है तब निकालिएगा और इसके बाद आप इसे इस तरह से रगड़ सकते हैं। अगर कुछ भी कालापन बचा है अंदर से भी इसे हम रगड़ लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से नए जैसा हमारा चांदी का बर्तन हो जाए। फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अपने जो भी आप चांदी के, जैसे आप भगवान जी के लिए जो हम चांदी के बर्तन रखते हैं उन्हें भी हम इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये ग्लास चमक गया है, बिल्कुल नया लग रहा है जैसे अभी मार्केट से लाया हो। इसमें किसी तरह का दाग धब्बा कुछ नहीं बचा है। पायल भी हमारी बिल्कुल नए जैसी हो गई हैं और ये दोनों मेथड बहुत ही अच्छे हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो आप इंस्टेंट अगर आप कुछ क्लीन करना चाहते हैं उसके लिए है और सेकेंड मेथड अगर आप ज्वेलरी और बर्तन साफ़ करना चाहते हैं उसके लिए है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।